हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं हूँ टुकू, मामा का बड़े भाई, बड़े बहन का बेटा। ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन आप समझ गए राइट। ही इज माय नेफ्यू, ही इज टुकू। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पास घूम फिर के एक ही जगह लगता है घूमने के लिए। सो आज हम जा रहे हैं फिर से सोमनाथ ट्रिप में। हम जा रहे हैं सोमनाथ। सो हम लोग अभी वी आर हाफ वे, हम आधे रास्ते में अभी रुके हैं। सो एक्चुअली मैं घर से निकलते समय मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था इंटेंशनली, बिकॉज मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं था निकलते समय। बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ, मैं जब निकल रहा था तो आई वॉज लुकिंग फॉर गुड क्लोथ्स आज के लिए। तो तब मैंने देखा मेरे जो पुराने जो बैग्स थे, जब मैं बैंगलोर से वापस आया था घर पे, तो मैंने दो बैग्स रख दिए थे अलमारी के ऊपर। कुछ दिन पहले मेरे रूम पे एक चूहा पकड़ा गया था, तो उसको मैंने इज्जत से पकड़ा राइट। मैंने इज्जत से उसको पकड़ के, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, तो इसलिए मैंने चूहे को वो केज में पकड़ा और उसको प्रसाद दिया डेली ऑलमोस्ट दो दिन तक, और उसको तो पानी पिलाया। पूरी इज्जत से उसको मैंने जंगल में छोड़ के आया, इतना इज्जत। और उसने मेरे साथ क्या किया, कैन यू इमेजिन, उसने मेरे सारे जो कपड़े है वो बैग के अंदर सारे कुतर दिए, दो मिनट रुको, सारे अच्छे कपड़े मेरे कुतर दिए वो चूहे ने। तो अब मेरा मूड हो गया खराब, जब मैं निकल रहा था तो मेरे सारे अच्छे ड्रेस खराब हो चुके थे। दो मिनट रुक जाओगे तुम। सो गाइस, ये डुगू मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था व्लॉगिंग में, तो मैंने उसको भगा दिया है, वो उसको भेज दिया उसके मम्मी पापा के पास। सो मैं ये कह रहा था कि मेरा मूड हो गया खराब, क्योंकि मेरे सारे जो अच्छे कपड़े थे सारे वो चूहे ने कुतर दिए। तो सुबह मेरा मूड थोड़ा ऑफ था निकलने से पहले। सो आज हम निकल रहे हैं सोमनाथ वाटरफॉल के लिए, वहां पे जाएंगे हम लोग विद फैमिली। सो आप सोच रहे होंगे फिर से क्यों जा रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम मैं गया था तो बहुत अच्छा मुझे लगा था, मैंने कभी सोच लिया था कि यहाँ पे फैमिली को लेके आना है। मैं लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, जो मैंने सबसे पहला वीडियो जो डाला है मैंने यूट्यूब पे वो सोमनाथ के ऊपर है। मैंने बस थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, सिनेमैटिक्स लिया था, वो मैंने अपलोड किया था, बट उसमें व्लॉग नहीं किया था मैंने। ये फर्स्ट मेरा एक्चुअल ट्रैवल व्लॉग है देखा जाए तो। सो आज मैं फैमिली के साथ निकला हुआ हूँ, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैं आपको कुछ अच्छा जो रोड व्यू है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच के थोड़ी मस्ती करेंगे। और हम एक्चुअली वहाँ पे जाके पिकनिक करने वाले हैं, फैमिली पिकनिक होने वाली है। तो मैं हर एक कैरेक्टर से आपको मिलाने वाला हूँ यही वीडियो में। सो आप बने रहिए। सो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज, हम लोग हो गए यहाँ पे मस्त नहा धो के रेडी। तो सीन यहाँ पे ऐसा हो गया था कि हमको नहीं मिल रहा था कोई भी चेंजिंग एरिया, बहुत ही गंदा था वो, तो हमने यहाँ पे खुद का चेंजिंग रूम बना लिया है। आई विल शो यू कैसे। ये हमारा चेंजिंग रूम है, यहाँ पे सबने हमने चेंज कर लिया एक एक करके। हम जा रहे हैं हमारा पिकनिक स्पॉट ढूंढने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे अंदर कहाँ मिल सकता है अच्छा स्पॉट। वहाँ पे अपनी चटाई डाल के बैठ जाएंगे, हमने खाना वाना सब रेडी लेके लाया है घर से, तो बैठ के अभी मस्त लंच करेंगे यहाँ पे। हे गाइस, सो हमने फाइनली एक जबरदस्त स्पॉट कर लिया है तो पिकनिक यहाँ पे सजाने के लिए। ये देखिए मस्त, यहाँ से बाजू से कैनाल है, पानी फ्लो हो रहा है, और ये है हमारा पिकनिक स्पॉट। अरे मेरे फैमिली से तो आपका इंट्रोडक्शन कराया नहीं मैंने। ये है मेरे जीजा जी, जीज मेरी बड़ी दीदी, ये उनका लड़का,
डुगू, अरे ये तो बकरी है। हाँ ये तो इससे मिल चुके हो। ये मेरी माँ है जो बहुत ही अभी गुस्से में और बहुत ही भूख में है, बहुत भूख लगी उसे। वो मेरी दीदी जुल्फे अपने जुल्फे सुखा रही है अभी। चलो तो मुझे खाने में क्या क्या वो दिखा दो आज। ओहो जबरदस्त, मम्मा मेरे को पहले दो। बहुत ही शानदार दिख रहा है ये, तेल से भरा हुआ पनीर, पनीर टिक्का। लो इधर और एक कर दिया ब्लेंडर, ये अपना स्पेशल है। ये पनीर नहीं है, ये पनीर टिक्का है। ठीक है, और वो ये क्या है? मेरी माँ ने बनाया है छोले की सब्जी और वो दाल है, जबरदस्त। करते खाना स्टार्ट। सो गाइस फाइनली हमारा फैमिली ट्रिप होता है यहीं पे ख़त्म। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। मज़ा आया, बहुत ही सही था आज का एक्सपीरियंस विद माय फैमिली। सो रुको दो मिनट। सो अब सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसको घूम फिर के सोमनाथ ही मिला जाने के लिए फैमिली के साथ। तो मेरे ख्याल से चंद्रपुर के आसपास मुझे कोई ऐसे एक्साइटिंग प्लेस मिली नहीं अभी तक जहाँ पे मैं अपने फैमिली को लेकर जाऊँ। हाँ आप कह सकते हो कि ताड़ूबा इज़ अ वेरी गुड एक्जॉटिक प्लेस टू गो विद योर फैमिली, बट हमने थोड़े कुछ दिन पहले हमने प्लान किया था ना जवाई फॉर गोइंग ताड़ूबा, बट वो प्लान हमारा हो गया कैंसिल फॉर सम रीज़न। और एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सफारी का, ऐसे मुझे सफारी वगैरह उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हाँ बट हम सोचे थे कि एक रिजॉर्ट बुक करेंगे और वहाँ पे जाके ओवर नाइट स्टे करके आएंगे, बट वो प्लान भी हम जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे और उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइस ऑल लाइक द वीडियो। सो रुक जाओ, आई होप आपको मजा आया होगा। और या सो हियर वी एंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय मम, मैं बाय कर दो। बाय बाय गाइस, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चेकिंग आउट।